हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा सेकेंड वीडियो है एपिकल्चर के अंदर। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी और सोशल बिहेवियर्स ऑफ हनी बी, मतलब मधुमक्खियों को जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और जो सोशल बिहेवियर्स है उनका, ये हम जानेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। तो शुरू करते हैं क्वीन से। इट इज़ अ वेल डेवलप्ड फर्टाइल फीमेल। ये एक बहुत वेल डेवलप्ड फर्टाइल फीमेल होता है, प्रोवाइडेड विद इमेंसली डेवलप्ड ओवरीज, और इसका जो ओवरी होता है वो बहुत इमेंसली डेवलप्ड होते हैं। इट हैव 32 क्रोमोसोम्स। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 32। दैट मीन्स 2n = 32, दैट मीन्स n = 16। कॉमनली वन क्वीन इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ईच हाइव। नेचुरली एक हाइव में एक ही क्वीन पाए जाते हैं। एंड फीड्स ऑन रॉयल जेली, और वो रॉयल जेली खाते हैं। शी इज़ द क्वीन इन रियल सेंस एज द मदर ऑफ द कॉलोनी। वो क्वीन हो सकता है लेकिन रियल सेंस में वो कॉलोनी का मदर है। एग लेइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्वीन थ्रू आउट हर एक्टिव लाइफ स्पैन। एग लेइंग ही एक क्वीन का मेन फंक्शन होता है थ्रू आउट हर एक्टिव लाइफ स्पैन में। द क्वीन इज 15 to 20 millimeter इन लेंथ। क्वीन का जो लेंथ होता है वो नेचुरली 15 to 20 millimeter के आसपास होते हैं। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई हर लॉन्ग टैपरिंग एब्डोमिन, शॉर्ट लेग्स एंड विंग्स। और इसका जो लॉन्ग टैपरिंग एब्डोमिन होते हैं और जो शॉर्ट लेग्स एंड विंग्स होते हैं, इसलिए हम क्वीन को बहुत अच्छे से अदर जो भी है उससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। स्ट्रक्चरली शी इज़ अनेबल टू प्रोवाइड वैक्स और हनी और गैदर पोलन नेक्टर। इसका जो स्ट्रक्चर है इससे वो वैक्स फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, हनी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और पोलन नेक्टर भी गैदर नहीं कर सकते हैं। बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ ओविपोजिटर कम स्टिंग अ स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड विच एड्स इन एग लेइंग। इसका जो ओविपोजिटर है और जो स्टिंग है उसका कॉम्बिनेशन से एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ये, जो इसको एग लेइंग करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ सेड दैट द क्वीन गेट्स मेटेड ओनली वंस इन हर लाइफ। ये कहा जाता है क्या क्वीन सिर्फ एक बार ही मेटिंग करते हैं टोटल लाइफ स्पेन में। बट इन अ सिंगल चांस ऑफ मेटिंग ड्रोन्स रिलीजेस 2 crore स्पर्म्स। लेकिन वो जो सिंगल चांस होता है मेटिंग का, उस टाइम पे ही ड्रोन 2 crore स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं, विच आर सफिशियंट फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स एट द टाइम ऑफ लेइंग By the female throughout her lifespan। वो 2 crore स्पर्म से काफ़ी होता है एग्स की फर्टिलाइजेशन के लिए, जो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ क्वीन ले करते हैं। ये एक क्वीन हनी बी का पिक्चर है। वन क्वीन लेस अबाउट 1,500 to 2,000 eggs in a day depending upon the seasonal variation and other ecological factors। जो सीजनल वेरिएशन होता है और जो अदर्स इकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करके एक क्वीन पर डे नेचुरली 1,500 to 2,000 eggs ले करते हैं। इन द होल लाइफ साइकिल ऑफ 2 to 5 years ए क्वीन लेस अबाउट 15 lakh eggs। क्वीन का जो लाइफ साइकिल होता है 2 to 5 years का, उस टाइम पे एक क्वीन नेचुरली 15 lakh eggs ले करते हैं। When the queen in a colony loses its egg-laying capacity, जब एक कॉलोनी में क्वीन का egg-laying capacity lose हो जाता है, another worker of the same colony starts feeding on queen's diet, that is royal jelly। तब उस कॉलोनी का another जो worker होता है उसको क्वीन का जो diet है royal jelly वो feeding कराया जाते हैं। And develops into a new queen। And तब उसको एक new queen में develop किया जाते हैं। And is provided with facilities of real queen। और उनको रियल क्वीन का जो जो फैसिलिटीज़ होता है वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाते हैं। समटाइम्स व्हेन 2 to 3 क्वीन्स आर डेवलप्ड इन अ कॉलोनी, समटाइम्स क्या होता है एक कॉलोनी में 2 to 3 क्वीन डेवलप होता है, तब क्या होता है वन टेक्स द पोजीशन ऑफ द रियल क्वीन। तब सिर्फ एक क्वीन ही वहाँ पे रहते हैं और रियल क्वीन का पोजीशन लेते हैं। एंड द अदर्स जो क्वीन होता है वहाँ पे वो क्या करते हैं, कम्स आउट विद सम वर्कर्स टू एस्टेब्लिश न्यू कॉलोनीज। वो कुछ वर्कर्स को लेकर बाहर आते हैं और न्यू कॉलोनी फॉर्म करते हैं। अब हम जानेंगे वर्कर्स हनी बी के बारे में। ऑल दो द वर्कर्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 कास्टेस,
वहाँ पे जो थ्री कास्टेस होते हैं हनी बी का, उनसे सबसे छोटा है वर्कर हनी बी। लाइक द क्वीन, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्टाइल एग्स लेड बाई द क्वीन। क्वीन के जैसे वर्कर हनी बी भी फर्टाइल एग से प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड हैव 32 क्रोमोसोम्स, और उसको भी 32 क्रोमोसोम्स ही होते हैं क्वीन के जैसे। जैसे 2n = 32, दैट मीन्स n = 16, एंड लिव्ड इन अ चेम्बर कॉल्ड एज वर्कर सेल। और वर्कर्स जो चेम्बर पे लिव करते हैं उसको कहते हैं वर्कर सेल। इट टेक्स 21 डेज इन द डेवलपमेंट फ्रॉम द एग टू द एडल्ट। ये कहा जाता है कि एग से हैचिंग के बाद एडल्ट होने के लिए इसको 21 डेज लगते हैं। एंड द टोटल लाइफ स्पैन ऑफ ए वर्कर इज़ अबाउट 6 वीक्स, और जो टोटल लाइफ स्पैन होता है एक वर्कर का वो होता है 6 वीक के आसपास। द वर्कर सेक्रीफाइज देमसेल्व्स फॉर द वेलबींग ऑफ द कॉलोनी। ये जो वर्कर होता है ये इसका लाइफ टोटली सेक्रीफाइस कर देते हैं कॉलोनी के वेलबींग के लिए। ये एक वर्कर हनी बी का पिक्चर है। दे मतलब वर्कर हनी बी हैव सम स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर देयर पार्टिकुलर वर्क। कुछ पार्टिकुलर वर्क करने के लिए इस टाइप ऑफ हनी बी को कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। लॉन्ग प्रोबोसिस फॉर सकिंग नेक्टर। फूलों का जो नेक्टर होता है उसको सकिंग करने के लिए इसको जो प्रोबोसिस होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग विंग्स फॉर फैनिंग। फैनिंग के लिए जो विंग्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पोलन बास्केट्स फॉर द कलेक्शन ऑफ पोलन। पोलन कलेक्ट करके उसको रखने के लिए इसका हाइंड लेग पे एक पोलन बास्केट होता है। पावरफुल स्टिंग्स टू डिफेंड द कॉलोनी अगेंस्ट एनी अटैक। इसका जो स्टिंग्स होता है वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब डिफेंड करने की टाइम आते हैं कॉलोनी के लिए वो स्टिंग्स तब कम करते हैं। वैक्स ग्लैंड फॉर वैक्स सेक्रेशन। वैक्स सेक्रेशन के लिए इसका बॉडी में एक टाइप ऑफ वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। द वर्कर्स आर परफॉर्म्ड वेरियस फंक्शंस ऑफ द कॉलोनी। ये जो वर्कर होता है वो कॉलोनी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन प्ले करते हैं। एज फर्स्ट एज ए क्लीनर। द डेड बॉडी एंड अदर इम्प्योरिटीज रिमूव्ड फ्रॉम द हाइव बाई द क्लीनर्स। ये जो क्लीनर वर्कर होता है वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होता है और जो अदर इम्प्योरिटीज होता है उनको हाइव से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट एज ए नर्स। बिटवीन 6th and 14th डेज रॉयल जेली इज सिक्रेटेड फ्रॉम द फेरिंजियल ग्लैंड सीन इन हर एब्डोमिन। एक से इमरजेंस के 6th to 14th डेज में ही इनका जो एब्डोमिन होता है वहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं फेरिंजियल ग्लैंड। वहाँ से एक जेली सिक्रेशन होता है जिसको कहते हैं रॉयल जेली। एंड इट स्टार्ट्स फीडिंग द यंगर लार्वी एंड द क्वीन लार्वी इन द हाइव। और उस रॉयल जेली को फीडिंग कराया जाता है जो यंग लार्वी है और जो क्वीन लार्वी है हाइव के उनको। दैट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल क्वीन साइज एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये नॉर्मल क्वीन का जो साइज़ होता है और प्रॉपर सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी होता है। अदर लार्वी आर फीड विद बी ब्रेड विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ हनी एंड पोलन ग्रेन। और हाइव में जो अदर लार्वी होता है उनको खिलाया जाता है बी ब्रेड विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ हनी एंड पोलन ग्रेन, जो हनी और पोलन ग्रेन का एक मिक्सचर है। नेक्स्ट एज अ बिल्डर्स। इट हैज़ बीन सीन आफ्टर 10th डेज ऑफ इमरजेंस। ये इमरजेंस का 10th डे में ही दिखा जाता है। वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स बिकम एक्टिव ऑन द एब्डोमिन। एब्डोमिन में जो वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स कंस्ट्रक्टिंग कॉम्ब सेल्स और हाइव। और वहाँ से जो वैक्स सिक्रेट होता है उससे ये कॉम्ब फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। इट स्टार्ट्स गार्डिंग फॉर द एनहांस ऑफ द हाइव फ्रॉम द 18th डे ऑनवर्ड। ये 18th डे से पहले हाइव का गार्ड मेंटेन करता है और इसके बाद ये बाहर पे उड़ जाता है। नेक्स्ट एज ए सोल्जर। फ्रॉम 21st to 25th डे इट वर्क्स एज ए सोल्जर। 21st से 25th डे तक ये सोल्जर की तरह काम करते हैं एंड प्रोटेक्ट्स द हाइव फ्रॉम द इन्वेशन ऑफ एंट्री ऑफ एनिमीज इंक्लूडिंग द बी फ्रॉम द अदर हाइव्स। और हाइव्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि दूसरे कोई हाइव से कोई भी यहाँ पे ना आ जाए और इसको जो हाइव होता है उसको अटैक ना करे। नेक्स्ट एज ए फोरेजर।
फ्रॉम द 21st डे दे बिकम ए फोरेजर। 21st डे से ये एक फोरेजर की तरह काम करते हैं एंड कलेक्टिंग पोलेन नेक्टर एंड वाटर एट्सेट्रा, और बाहर पे जाके पोलेन नेक्टर वाटर एट्सेट्रा कलेक्ट करते हैं। द वर्कर बीज आर सीन फोरेजिंग, जो वर्कर बी होता है वो फोरेजिंग करते हैं एंड सीपिंग नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है उसको सीपिंग करते हैं एंड ब्रशिंग प्रोटीन रिच पोलिन, और फ्लावर का जो पोलिन होता है प्रोटीन रिच पोलिन उसको ब्रशिंग करके कहाँ पे रखते हैं, इन टू द बास्केट्स ऑन द हाइंड लेग्स, इसका हाइंड लेग पे जो पोलिन बास्केट होता है वहाँ पे रख देते हैं इस पोलिन को, एंड रिटर्निंग टू द हाइव वेयर दे वेयर रिलीव्ड ऑफ देयर लोड बाई अदर वर्कर्स। एंड जब वो पोलिन बास्केट फिल हो जाता है तब उसको रिलीव करने के लिए फिर से चले आते हैं उनका जो हाइव होता है वहाँ पे, एंड फ्लाइंग टू द फूड सोर्स अगेन, और फिर से वहाँ पे फूड सोर्स की तरह चले जाते हैं। सच फोरेजिंग बिहेवियर इज रिपीटेड ए नंबर ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ फोरेजिंग बिहेवियर ए नंबर ऑफ टाइम पे रिपीट होता है फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द लेट इवनिंग, ये मॉर्निंग से शुरू होता है और लेट इवनिंग तक चलता है। द फोरेजिंग ऑफ वर्कर बीज इज अफेक्टेड बाई मैनी फैक्टर्स, ये जो वर्कर बी का फोरेजिंग बिहेवियर है ये मैनी फैक्टर से अफेक्टेड होता है, लाइक डिस्टेंस ऑफ फ्लावर, हाइव से फ्लावर का जो सोर्स है उसका जो डिस्टेंस है उससे ये अफेक्टेड हो सकता है, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का जो सोर्स है उसका जो डिस्टेंस है, एंड टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है उससे भी ये फोरेजर का बिहेवियर अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट एज ए रिपेयर्स, रिपेयरिंग ऑफ द कोम्ब इज डन बाई रिपेयर्स, जो रिपेयर होता है वो कोम्ब का रिपेयरिंग करता है। और लास्ट एज ए फैनर्स, फैनिंग इन द हाइव इज परफॉर्म्ड बाई द विंग्स ऑफ द फैनर्स, फैनर्स का जो विंग होता है उससे ये फैनिंग करता है और कोम्ब के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको ये कूल रखता है। नेक्स्ट ड्रोन्स, द ड्रोन इज अ मेल मेंबर ऑफ द कॉलोनी, ये जो ड्रोन होता है ये एक मेल मेंबर होता है कॉलोनी का, विच फर्टिलाइजेज द क्वीन, जो क्वीन को फर्टिलाइज करता है, सो कॉल्ड एज किंग ऑफ द कॉलोनी, इसलिए इसको कॉलोनी का किंग कहा जाते हैं, एंड हैव 16 क्रोमोसोम्स, और इसका जो क्रोमोसोम होता है वो है 16, मतलब 2n इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स n इक्वल टू 8। दे टेक्स 24 डेज टू डेवलप फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज, ये एग से एडल्ट स्टेज के एडल्ट स्टेज पे पहुँचने के लिए 24 डेज टाइम लेते हैं। द स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड्स आर एब्सेंट बट इन द मेल्स द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आर वेरी वेल डेवलप्ड, ये ड्रोन्स पे जो स्टिंग होता है और जो वैक्स ग्लैंड होता है वो नहीं होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो वेरी वेल डेवलप्ड होता है। ये एक ड्रोन हनी बी का पिक्चर है। नेक्स्ट, ड्रोन्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द वर्कर्स एंड हैव बीन सीन बेगिंग फॉर हनी फ्रॉम द वर्कर्स, ये जो ड्रोन होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है वर्कर पे, और हनी के लिए ये वर्कर से बेकिंग करता है। एट द टाइम ऑफ स्वर्मिंग, स्वर्मिंग का जब टाइम आ जाता है द ड्रोन फॉलोज द क्वीन, तब ड्रोन क्वीन को फॉलो करते हैं, एंड देन कॉपुलेट्स, और देन क्वीन को कॉपुलेट करते हैं, एंड डाइज आफ्टर कॉपुलेशन, और कॉपुलेशन के बाद में ये ड्रोन मर जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।